हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा फाइनली रोप आ चुका है, अभी दो दिन हो चुका है रोप आकर दोस्तों, और देख सकते हैं ये 1.5 महीने का रोप है और कितना 86-32-0 है ये गन्ना, और गन्ने का रोप कितना अच्छा है दोस्तों। अभी आज लगाने का है गन्ने का रोप, और एक एकड़ को अपने को लगभग 3,500 लेकर आए हमने। लगभग एक एकड़ को 7,000 रुपये बीज लगता है अपने को, और ये अपना हमारा को बस होता है कि नहीं देखेंगे। आज लगा रहे हैं हमने बीज दोस्तों, और कितना दूरी पर आपको लगाना है और कितना दूरी रखकर कैसा लगाना है दोस्तों, और जानेंगे। और नए तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यह है रोप 86-32-0 है गन्ना, ये रोप है। ये 25 रुपये में एक पड़ा है, ये 2.5 रुपये में एक। इसका आँख है खाली, अभी इतना लगा दिए। 3,500 बीज लाए थे, पूरा हो चुका है। ये देखिए इधर तक और इधर तक लगाने का है, और पूरा बी हो चुका है। 3,500 नहीं बस हुआ, ये लोग लगा रहे हैं इधर सामने। अभी इसको पानी छोड़े, पहले पानी छोड़कर इसको बाद में इसको लगाना पड़ता है रोप। एक फीट को लगा रहे हैं इसका पौधा, और इधर पूरा लगा दिए बीज, और लाने को मंगाए बस नहीं हुआ बीज। और इसमें ये 70 झाड़ा रहता है इसमें पौधा, यहाँ लगा रहे हैं। देखिए एक एकड़ लगाने के लिए 7,000 पौधा लगता है दोस्तों, एक एकड़ को 7,000 कंपल्सरी होना और लगेगा। ये देखिए ऐसा लगा रहे हैं, एक फीट दूरी बनाकर लगा रहे हैं। ये देखिए ये पौधा बहुत दूर से लेकर आए, पंढरपुर से, ये महाराष्ट्र लेकर आए। स्टार्टिंग में पानी छोड़कर लगा रहे इसको। ये देखिए अम्मा कैसा बैठे, और धूप बहुत ज्यादा लग रहा है इसको। ये देखिए इधर लगा दिए और लगा रहे, देखिए चले गए पानी। अभी इसमें लगाते हैं, हमारा बी तो खत्म हो चुका है। 3,500 बी लेकर आए थे, अभी और 10,000 मंगाए बी, अभी पूरा हो चुका है। इतना फाइनली लगा देते हैं, लगाने के बाद अभी और मंगाएंगे बीज मंगाए हैं। फिर ये देखिए पौधा 86-32-0 है, लाल गन्ना है ये, और बढ़िया वजन आता है, बढ़िया अच्छा रहता है वजन। ये देखिए बहुत अच्छा हाईलाइट गन्ना रहता है, और देख सकते कितना छोटा 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 है दोस्तों। अभी पानी कड़े को चले गए, ये बहुत 4 फीट मारे सो है, बहुत 4 फीट है, 4 फीट रखना आपको, और दूरी 4 फीट दूरी रखे तो मिशन से भी कट कर सकते। और ये बोध है ना, ये बोध 4 फीट है, 4 फीट रखना। 4 फीट रखे तो इसके फायदे क्या रहते हैं बोले तो, दूर दूर तक गन्ना अच्छा अपना जो गन्ना रहता है, जो आड़ा नहीं गिरता, बनने को जुड़ी भी आता है, और कौन भी गन्ना अपना तुम्हारा गन्ना काटने को नहीं आया तो भी मिशन से भी कट कर सकते हैं गन्ना। इस वजह से इसको 4 फीट रखना कभी भी, और ट्रैक्टर से भी इसको मार सकते हैं बहुत बाद में। 1 साल हो गए तो बाद में ये ट्रैक्टर से शुरुआत की तौर पर इसको मारना पड़ता है पहले स्टार्टिंग में। इस वजह से इसको 4 फीट रखना है, ये पौधा जो रख रहे हैं 1 फीट दूरी बनाकर रखना, पौधा लगाना एक दूरी, और ये 4 फीट ना कैसा लगाना है और कौन सा टाइम में लगाना है पूरा जान गए होंगे दोस्तों। और आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर देना, और नए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये इसके फायदे क्या रहते हैं बोले तो, 3 साल गन्ना चलता है, और इससे अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, पैसा भी अच्छा बनता है इससे, और एक एकड़ को 50 टन गन्ना निकलता है आराम से। अपने को बीज लाने के लिए उसको करने के लिए 30,000 का खर्चा आएगा पहले दोस्तों, 30,000 रुपये बीज लाना लगाना करना सब बोले तो 20,000 रुपये खर्चा आएगा। आप बीज लाओ, बीज लाओ या इसका बीज का अंक लाओ, दोनों में उतना ही
रुपये खर्चा आएगा आपको, और ऐसे खेती कर सकते हैं दोस्तों। पूरा डिटेल में आपको बताया है कैसा करना है क्या नहीं, पूरा आपने डिटेल में बनाया दोस्तों वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कर देना, और नए तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। हम भी अच्छे अच्छे और भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी लेकर आए, और डेली के डेली लेकर आए दोस्तों। और ये फरवरी महीने में लगाना पड़ता है गन्ना, फरवरी महीने में लगाए तो गन्ना आपका जल्दी से जल्दी कट होता है गन्ना, और आपको भी फायदा मिलता है, और वजन भी रहता है गन्ना। जब आपका जो आसपास पहले देखना है आपका गन्ना कब जाता है, और अपना गन्ना कब कौन से टाइम में आगे इधर उधर आपको देखना है, पहले देखने बाद इस गन्ना आपको लगाना है दोस्तों फरवरी मार्च दो महीने में कभी भी लगा सकते हैं गन्ना, प्रॉब्लम नहीं रहता है दोस्तों। और भी अच्छे अच्छे हम इसमें क्या डालना है क्या नहीं, पूरा डेली के वीडियो अब तक लेकर आएंगे दोस्तों, अपडेट डेली के डेली अपडेट लेकर आएंगे। और आज की वीडियो में इधर एंड करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।